in order to have a better understanding of the risk management process we need to look at how the government is going to help us in mitigating the various types of risks that my business or if i am a household if i am an individual customer what could be the ways through which government can help me in mitigating the risks to which i am exposed to एंड हु एम आई आई कैन बी अ फर्म और आई कैन बी एन इंडिविजुअल जस्ट अ कस्टमर और एन इंडिविजुअल या मैं अपने आप को एक हाउस होल्ड बोल रही हूँ सो so, एक हाउस होल्ड या किसी भी फर्म को जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क से वो एक्सपोज है उनसे वो असरअंदाज हो सकता है उसमें हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमेशा ये भी देखना पड़ता है कि गवर्नमेंट का क्या रोल है वो हमें किस तरह से हमारे रिस्क के इफेक्ट को कम करने में मददगार साबित हो सकती है तो इफ़ वी लुक एट द वे द गवर्नमेंट्स वर्क इन एनी कंट्री गवर्नमेंट्स दो तरह से रिस्क को मैनेज करती हैं नंबर वन वो कोशिश करती हैं कि वो रिस्क वाले एलिमेंट्स को प्रिवेंट करें रोक दें दूसरी वो किस तरह से मदद करती है हमें वो रिस् रिडिट्रीब्यूट कर देती हैं सो वो क्या करती हैं वो आप के ऊपर अगर इफ यू आर एक्सपोज अ सर्टन थिंग तो वो आपसे उस पर्टिकुलर जो उसका हार्म है उसको वो डिस्ट्रीब्यूट कर देती है उसको वो कम करके वो ज्यादा लोगों को उस नेट में लेके आ जाती है ताकि आपको ज्यादा बड़ा डैमेज ना हो सो इट प्रिवेंट्स द रिस्क फॉर आस एंड इट री डिस्ट्रीब्यूट द रिस्क फॉर आस राइट तो ये कैसे करती है उसके लिए हमने देखा है कि जैसे पेंडामिक हुआ आया कोविड जिसने पूरी दुनिया को इफेक्ट किया तो नाउ यू कैन सी कि अगर हम गवर्नमेंट के रोल को निकाल दें तो डेली बेसिस के ऊपर दे हैव डेवलप्ड एन ऐप दे हैव डेवलप्ड वेबसाइट्स उन्होंने एन को ये काम दिया वो आपको डेली बेसिस के ऊपर पूरे पाकिस्तान के बारे में सूबों के हिसाब से कैपिटल सिटी के हिसाब से स्टेटस्टिक्स जनरेट करके देते हैं, जो कि हर अखबार अपने नुमायाँ जगह पर रिपोर्ट करता है उन्होंने वेबसाइट बनाया जो कि लाइव उसके ऊपर चैट कर सकते हैं फिर उन्होंने टेलीफोन की ऐप बनाई जिसको आपने टेलीफोन में इंस्टॉल किया आप फ़ॉर कोई भी सिम्टम्स अगर किसी को फील हो रहे हैं सिम्टम्स क्या होंगे ये तो किसी को शुरू में पता ही नहीं था जब कोविड आया था सिम्टम्स क्या होंगे किस तरह से सिवेरिटी का अंदाज़ा लगेगा उसके स्टेटिस्टिक्स क्या हैं अगर किसी को सिम्टम्स फील हो रहे हैं तो उसको क्या करना चाहिए पीसीआर टेस्टिंग क्या होगा इक्विपमेंट पहुंचाना ये तमाम चीज़ें जो हुकूमत पाकिस्तान ने लोगों को मुहैया किए हैं उस पूरे से क्या हुआ कि अगर इस पूरी चीज़ को आप निकाल दें तो द रिस्क टू विच वी वर एक्सपोज टू इन द एबसेंस ऑफ ऑल द एफर्ट्स एंड द थिंग्स एंड द स्टेप्स दैट डन बाय गवर्नमेंट तो फिर क्या हाल होने जा रहा था तो उन्होंने अस्पतालों में सेपरेट सेक्शन बनाए आइसोलेशन वार्ड्स बनाए लोगों को ट्रेनिंग दी फिर वैक्सीन का अरेंज किया फिर लोगों को कन्विंस किया सब लोग डर गए वैक्सीन लगवाएंगे तो मर जाएंगे तो उन्होंने वैक्सीन के लिए कैंपेन किया स्टार्स को इन्वॉल्व किया सेलिब्रिटीज को डाला टेलीविजन पे एडवर्टाजमेंट्स चलाई अखबारों में इश्तेहार दिए ताकि लोगों से खौफ खत्म हो फिर डराया भी आपकी तनख्वाह बंद हो जाएगी ये तमाम पॉलिसीज़ को फॉलो करने से क्या हुआ कि दे हैव ट्राइड टू रिड्यूस द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ द पेंडामिक इसी तरह से जब किसी जगह पे सैलाब आ जाता है जब कहीं जलजला आता है तो गवर्नमेंट जो भी उसके वसाइल हैं उनको खातर में लेके आके इस्तेमाल करके उस पर्टिकुलर नुकसान को लोगों के लिए काम करने में हेल्प करती है एंड दिस इज बेसिकली द रोल दैट इज़ टू बी प्लेड बाय द गवर्नमेंट सो so, वो क्या करती है वो मिटिगेट करती है रिस्क को और वो रिडिस्ट्रीब्यूट करती है प्रिवेंट करती है रोकती है लोगों को तालीम देती है अबला के थ्रू जो डिफरेंट वेज मीनस ऑफ कम्युनिकेशन है उनके थ्रू वो लोगों को ट्रेन करती है वो लोगों को बोलती है ये अभी ये ख़तरनाक एरियाज हैं इनमें मत जाएं इधर लॉकडाउन लगा हुआ है यहाँ स्मार्ट लॉकडाउन है या जैसे सैलाब आ जाता है तो वो वार्निंग दे देते हैं कि फ़लाँ इलाकों नशेबी इलाक़ों में सैलाब आ रहा है वहाँ मच सैर करने जाएं या ट्रैवल नहीं करें इट्स नॉट सेफ़ तो ये तमाम जो बैर्स हैं ये हकूमत लेती है इन तमाम पॉसिबल रिस्क के इफ़ेक्ट को काम करने के लिए ताकि आपको मुझे फर्म्स को इंडिविजुअल्स को हाउस को जो नुकसान से हम एक्सपोज हो सकते हैं उस नुकसान की जो इंटेंसिटी है उसको कम अज़ कम किया जाए तो दिस इज हाउ द गवर्नमेंट प्लेज इट्स रोल contributes in order to mitigate the role, mitigate the effect of the negative effect of the various risks to which we are exposed to. and when we are going to plan for the risk management, we have to account for okay, how the government is going to facilitate us or me or a firm in case of these different types of risks that can happen.